मान्यवर, आतंकवाद बढ़ा, जन्मा, पनपा और चरम सीमा पर भी पहुंचा, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मगर इसके जड़ में हमने जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं मान्यवर, समय समय पर 370 के भूत ने वहां अलगाववाद को मानने वाले युवाओं के मन में उनको गुमराह कर एक बड़ी नाराजगी की भावना खड़ी की, नाराजगी की भावना खड़ी। पाकिस्तान ने उसका उपयोग किया और देश में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद देश से कई गुना ज्यादा बढ़ा। मान्यवर, आज तक 41,400 से ज्यादा लोग मारे गए। क्यों मारे गए? और मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है, हमारी पॉलिसी ठीक नहीं, चलो एक मत हो सकता है, मगर आपकी पॉलिसी ने क्या किया? किसकी पॉलिसी के कारण 41,894 लोग मारे गए? पॉलिसी किसी ने नहीं बदली, जवाहरलाल जी जो चालू कर आए थे वही पॉलिसी चल रही है। किसकी जिम्मेदारी है इसकी? क्यों मारे गए? मान्यवर, स्वायत्तता की मांग उठी। पाकिस्तान 3 युद्ध हारने के बाद 1988 में जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक को स्वीकृतियां दी, इसके अंदर भी 370 का उल्लेख है। उन्होंने कहा है ये 370 कलम जब तक है तब तक कश्मीर का युवा भारत के साथ जुड़ नहीं सकता, एक ग्रुप ऐसे खड़े करिए जो कश्मीर के युवा को गुमराह करे और भारत की मेन स्ट्रीम से अलग करे। और 88 में ऑपरेशन टोपैक की शुरुआत हुई, 89 से यहां पर आतंकवाद शुरू हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान तो पूरे पाक प्रेरित जो ग्रुप्स हैं आतंकवादी हैं वो तो पूरे देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, क्यों राजस्थान का युवा गुमराह नहीं होता? क्यों गुजरात का युवा गुमराह नहीं होता? गुजरात में भी पाकिस्तान की बॉर्डर है। क्यों ओडिशा का युवा गुमराह नहीं होता? क्यों बिहार का युवा गुमराह नहीं होता? क्योंकि वहां 370 नहीं है, वहां कोई अलगाववाद का भूत नहीं है। मान्यवर, 370 ने समय समय पर जब भी आतंकवाद खत्म होने की कगार पर आता है 370 को लेकर कुछ लोग ये चीज को बढ़ाना शुरू करते हैं। और मैं मानता हूं मान्यवर, हुर्रियत, ISI, घुसपैठिए, ये सब लोगों ने कश्मीर के युवाओं को गुमराह करा है। और 1990 से 2018 तक 41,894 लोगों को अपने जान से हाथ धोने पड़े हैं। मान्यवर, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, रक्तपात हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों ऐसी शुभकामनाएं देते हैं भैया? हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं, आप कहिए कि भाई चलो सब अच्छे से हो, शांति से हो, क्या संदेश जाएगा घाटी में? आप यहां खड़े रह होकर कहोगे रक्तपात हो जाएगा? हम क्या ये सदन रक्तपात कराना चाहता है? ये सदन घाटी में क्या संदेश डालना चाहता है? क्या आप जीते रहो 18वीं सदी की व्यवस्थाओं में? उनको अधिकार नहीं है 21वीं सदी की व्यवस्थाओं के अंदर जीने का? और साहब, ये जो लोग उकसाते हैं ना, उनके बेटे बेटियां सब लंदन और अमेरिका में के अंदर पढ़ाई करते हैं, लंदन और जरा पढ़े वहां की स्कूल के अंदर, जरा पढ़े वहां की कॉलेज के अंदर, तब मालूम पड़ेगा धारा 370 क्या है। 370 के जितने एडवोकेट हैं इनके बेटे कहां पढ़ते पूछिए साहब, उनको चिंता नहीं है क्योंकि अपने तो सब कर लिया अच्छे से, मगर घाटी के युवा को आज भी अनपढ़ रखने के लिए, घाटी के युवा का विकास न करने के लिए ये 370 एक बहुत बड़ी बाधक है। और मैं स्पष्टता से मानता हूं मान्यवर, जब तक 370 और 35 ये है, कश्मीर के अंदर से आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। निहाय